गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू पोल साइंस क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू न्यू टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज फैक्टर्स विच मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्टिव। सेकेंड, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड व्हाई डू वी नीड Constitution. So today we are going to discuss two new topics. So let us come on the first topic, factors which makes the constitution effective. First factor, mode of promulgation, means the way how कॉन्स्टिट्यूशन केम इंटू एग्जिस्टेंस, कि संविधान कैसे अस्तित्व में आया। सो मोड ऑफ प्रोमोगेशन रेफर्स टू द वे, ये उस तरीके को दिखाता है वे अ कॉन्स्टिट्यूशन केम इंटू बींग, जिस तरीके से संविधान अस्तित्व में आया। इन मैनी कंट्रीज, कई देशों में जो संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्राफ्टिड, मीन्स ड्राफ्टिड, तैयार किया गया बाय एब्सोल्यूट मिलिट्री डिक्टेटर, जो सेना के तानाशाह हैं उनके द्वारा तैयार किया गया था। एंड अनपॉपुलर लीडर्स, वो उन लीडर्स के द्वारा जो जनता में पॉपुलर नहीं थे, हु कुड नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ पीपल, और वो लोगों की सपोर्ट भी प्राप्त नहीं कर सके थे फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लिए, संविधान के निर्माण के लिए। द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ रिसेंट टाइम्स, जो सबसे सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं हाल ही के समय में, वो कौन कौन से हैं? लाइक दोज ऑफ इंडिया, भारत का संविधान है, यूएसए एंड साउथ अफ्रीका, वर बेस्ड ऑन द आफ्टरमैथ ऑफ अ पॉपुलर लिबरेशन स्ट्रगल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीज कंट्रीज आर सक्सेसफुल जस्ट बिकॉज ऑफ द लिबरेशन, because of the popular liberation struggle. And the Indian constitution was drafted between December 1946 and November 1949, but it was not the net result of 3 years of hard work. 3 saal lage isko banne ke liye, lekin ye hard work nahi hai. In fact, vastav mein it drew upon a large cherished goal of national movement to take along different section of Indian society together, because it was pre-decided ki after independence we shall try to take all the section of society together. So further it was drawn by the people, ye un logo ke dwara taiyar kiya gaya who were men of immense public reputation, जिनकी पूजा रेपुटेशन थी सोसाइटी के अंदर, एंड कमांडेड द रिस्पेक्ट ऑफ मासेस कटिंग अक्रॉस नैरो लाइंस। सो इट रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड नेशनल सेंसेस ऑफ द टाइम। सो इन दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड कि हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। एंड सेकंड थिंग, देर आर मैनी कंट्रीज, कुछ ऐसे भी देश हैं वेयर देयर वॉज रेफरेंडम बिफोर अ कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे क्या होता है एक पब्लिकली ओपन इलेक्शन करवाया जाता है, वॉज इनेक्टेड। बट इन इंडिया देर वॉज नो रेफरेंडम, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई ओपन इलेक्शन नहीं करवाया गया था, कोई ओपन जनमत नहीं करवाया गया था। इट वॉज बेस्ड ऑन द कंसेंसस सपोर्टेड बाय पॉपुलर लीडरशिप, एक्चुअली सीधा लोगों ने सपोर्ट किया था हमारे लीडर्स को। एंड द ड्राफ्ट वॉज अडोप्टेड एज पीपल्स ओन डॉक्यूमेंट हु एडरेंट टू अबाइड बाय इट्स प्रोविजन, और लोगों ने उस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया था और उसके प्रोविजन्स को भी एक्सेप्ट कर लिया था। इस तरीके से जो अथॉरिटी है, जो प्रशासन है ऑफ पीपल इन प्रोमोगेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प इन डिटरमाइनिंग द पार्शियल सक्सेस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प, सो संविधान सहायता करता है डिटरमाइनिंग, फिक्सिंग, निर्धारित करने में
द पार्शियल सक्सेस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्पष्ट रूप से सक्सेस होने में, मतलब कि अगर संविधान को सही तरीके से बनाया जाए, बनाया गया है, तो वो संविधान हमेशा सक्सेस रहता है, बिकॉज उसमें जो जो एम्स हैं वो पहले से ही प्री डिसाइडेड किए जाते हैं कि जब हम संविधान को तैयार करेंगे तब हमने ये चीज़ें संविधान के अंदर ऑलरेडी सेट करनी है. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सटेंटिव प्रोविज़न ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. प्रावधान क्या क्या है संविधान के हमारे. द सक्सेसफुल हॉलमार्क ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट, सबसे सफल कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट, सबसे सफल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक सफल संविधान के लिए हमें क्या चाहिए, कि दैट एवरी वन इन द सोसाइटी शुड बी ऑब्लाइज टू रिस्पेक्ट इट, कि संविधान की हमारे जो देश के जो नागरिक हैं सभी उस संविधान का क्या करें, सम्मान करें. ए कॉन्स्टिट्यूशन विच अलाउस मेजोरिटी टू ओप्रेस माइनॉरिटी इज अनजस्ट. अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन किसी मेजोरिटी को अलाउ करता है टू ओप्रेस द माइनॉरिटी, कि वो अल्पसंख्यक का टॉर्चर करे, शोषण करे, सो इट मीन्स नबडी विल गिव रिस्पेक्ट टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन. सो देर इज़ नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट ए कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी एब्सोल्युटली परफेक्ट. एक जो कॉन्स्टिट्यूशन वो पंजाब में परफेक्ट कभी नहीं हो सकता, बट इट इज़ मस्ट बी एबल टू कन्विंस इट्स पीपल दैट इज़ जस्ट, कि जो संविधान होता है वो अपने देश के लोगों को कन्विंस कर सके कि वो बिल्कुल फेयर तरीके से बना हुआ है. एंड इट शुड प्रिजर्व द लिबर्टी एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर. और वो संविधान क्या करे, अपने जो देश के नागरिक हैं उनकी स्वतंत्रता और समानता को बनाए रखे. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द परफेक्शन ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड जस्टिस. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी किस पर आधारित है, लिबर्टी इक्वलिटी और जस्टिस. लोगों के लिए इक्वल जस्टिस, इक्वलिटी एंड लिबर्टी, इन थ्री प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. सो थर्ड वन इज बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन. जो रूपरेखा है हमारे संविधान की वो उसमें क्या है, एक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है. इट मीन्स कि इफ़ देर विल बी नो बैलेंस बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस देन ए सिंगल इंस्टीट्यूशन विल प्ले अ रोल ऑफ डिक्टेटर. सो द बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इज़ कंपल्सरी. सो एनी कॉन्स्टिट्यूशन टू बी ऑपरेटेड सक्सेसफुली नीड्स टू बी वेल बैलेंस्ड. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए, उसमें जो बैलेंस है वो वेल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. एंड अ सबवर्टेड कॉन्स्टिट्यूशन वुड लीड टू मोनोपोली ऑफ पावर बाई वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप, देयर बाय मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज देर इज़ नो रिक्वायरमेंट कि ऑल द पीपल ऑफ द सोसाइटी जस्ट स्पॉइल द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ इनफ बाय अ ग्रुप. ये ग्रुप के द्वारा काफ़ी होता है, ये जरूरी नहीं कि पूरा देश ही संविधान को ख़राब करे. कुछ लोग ऐसा करने में सक्सेस हो जाते हैं. बिकॉज इट इज़ देयर फॉर ऑफ इम्पेरेटिव इम्पोर्टेंस दैट वाइल डिज़ाइनिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान को तैयार किया जाता है, इट इज़ इंश्योर दैट, इंश्योर किया जाता है कि दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन हेगेमनीज पावर. कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिडंट गिव सो मच पावर टू अ सिंगल इंस्टीट्यूशन दैट इट विल चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम डेमोक्रेटिक टू डिक्टेटर, कि वो अपना फॉर्म लोकतांत्रिक से तानाशाही में बदल दे. सो इट इज़ फॉर द रीज़न, यही वो कारण है कि दैट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन आर बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. कि जो आधुनिक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस थ्योरी पर बेस्ड हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, कि पावर्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एंड ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. और सिस्टम में क्या होना चाहिए, प्रॉपर एक बैलेंस होना चाहिए. पावर हैज़ बीन फ्रेगमेंटेड अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. कि जो पावर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, किसके बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में, जुडिशरी के बीच में एंड अदर ऑटोनोमस बॉडीज लाइक द इलेक्शन कमीशन. एंड दस इवन इफ वन इंस्टीट्यूशन वॉन्ट्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर एक इंस्टीट्यूशन क्या चाहता है, अगर संविधान को स्पॉइल करना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है, देन अदर कैन कीप अ चेक ऑन इट, तो बाकी उस पर क्या रोक लगा देंगे. एंड दिस वुड लीड टू अ बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन. इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो संविधान है उसके अंदर प्रॉपर एक बैलेंस बना रहेगा. एंड द डिज़ाइन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन सर्टेन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर.
और जो जब संविधान को बनाया जाता है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, इतना बैलेंस होना चाहिए कि इसके बीच में सर्टेन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, जो प्रोसीजर है और जो नॉर्म्स कुछ नियम हैं और कुछ व्यवस्थाएं हैं उनके बीच में एक प्रॉपर एक बैलेंस होना चाहिए, विच आर रीज्ड, जो थोड़े हार्ड हैं, वाइल अलाउिंग फ्लेक्सीबिलिटी इन इट्स ऑपरेशन टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टांसिस, कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रीज्ड एज वेल एज फ्लेक्सीबल सो दैट इट कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टाइम, ताकि आसानी से बदलते हुए टाइम में सर्कमस्टांसिस में एडजस्ट हो सके. सो इफ़ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू रीज्ड, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी हार्ड है, इट वुड ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंजेस, तो ये जल्दी बदलते हुए टाइम के अकॉर्डिंग ये टूट जाएगा संविधान, स्पॉइल हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. वाइल इफ़ इट इज़ टू फ्लेक्सीबल, अगर ज़्यादा फ्लेक्सीबल है, इट वुड बी अनप्रेडिक्टेबल, तो नबडी रिस्पेक्टेड, एवरीबडी विल एक्सपेक्ट टाइमली चेंजेस फॉर देयर कम्फर्ट्स. सो ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सीबिलिटी एंड डिवीजन ऑफ पावर्स based on authoritative allocation by the constitution as in India would ensure that no section or group would subvert the constitution. तो एक जो blend, एक mixture है किसका, hardness का और softness का और divisions of power, शक्तियों के बंटवारों का. कहते हैं ये क्या करता, based on authoritative allocation of the by the constitution as the India would ensure that no section, ये सब चीज़ें क्या show करती है कि no section, कि कोई एक single institution क्या नहीं कर सकता, और a group would subvert the constitution, हमारे संविधान को ख़राब नहीं कर सकता. and next one is composition of constituent assembly, संविधान सभा का स्वरूप. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद मेंबर्स हु वर इन द एरियाज विच वेंट टू पाकिस्तान, कि जो आज़ादी के बाद वो मेंबर्स जो पहले संविधान सभा के मेंबर थे वो बाद में क्या हुआ था, अब वो क्या थे, कहता विच वेंट टू पाकिस्तान सीज टू द मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मीन्स वेन देयर एरियाज वेंट इन टू पाकिस्तान दे लॉस्ट द मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो संविधान सभा में सदस्यता है वो रद्द कर दी गई थी. एंड इट्स स्ट्रेंथ वॉज रिड्यूस्ड, उनकी जो संख्या थी वो भी कम कर दी गई थी, टू 299 आउट ऑफ विच 284 वर एक्चुअली प्रेजेंट एंड साइंड द ड्राफ्ट ऑन 26 नवंबर 1949. तो मींस 284 मेंबर्स ने साइन किया उस ड्राफ्ट के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट के ऊपर. एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया हैड सीन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ब्लडशेड, तो जो जब बंटवारा हुआ था तो बहुत खून खराबा हुआ था. एंड बट द क्रेडिट गोज टू द ड्राफ्टर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माताओं को इसका सारा श्रेय जाता है कि दैट दे कैप्ट इन माइंड द लर्नड लेसन फ्रॉम द पार्टीशन एंड created a new concept of citizenship where religious and ethnic minorities were safe. So they craft a new concept of citizenship. उन्होंने एक ऐसा नया नियम तैयार किया नागरिकता का, जहाँ पर क्या था, religious, धार्मिक और ethnic, racial minority जो थी वो थी कि safe थी, and everybody can get equal rights from constitution. So now the members of the Constituent Assembly were not elected on the basis of universal adult franchise. जो इसके members थे Constituent Assembly के, उनके लिए कोई open election भी नहीं करवाया गया था कि कौन कौन member बनेगा. The Assembly got proportionate representation from members of all communities. जो Assembly थी उन्होंने हर एक community से बराबर अनुपात में क्या लिए थे, मेंबर्स चुने थे. लाइकवेज द असेंबली हैड 26 मेंबर्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड क्लासेस, जो असेंबली थी उन्होंने 26 मेंबर्स लिए कहाँ से, शेड्यूल्ड क्लासेस से. एंड इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डोमिनेंस कांग्रेस ऑक्यूपाइड द 82% सीट्स, और जैसे कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था तो उन्हें 82% सीट्स मिली थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर. एंड बट इट इटसेल्फ वाज सच अ डाइवर्सिफाइड ग्रुप, क्योंकि जो कांग्रेस का जो ग्रुप था वो क्या डाइवर्सिफाइड था, बिकॉज इन दैट ग्रुप ऑल द मेंबर्स हैव डिफरेंट व्यूज, दे आर फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, दे फॉलो डिफरेंट कल्चर्स, सो ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन विद इन, लेकिन सभी ने क्या किया, एक ही चीज़ को फॉलो किया, टू यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया एंड अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस कंट्री. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड different topics. First,
फैक्टर्स विच मेक द अवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इफेक्टिव एंड सेकंड कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड आफ्टर दिस यू विल यू कैन रीड द डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल कि नेपाल में किस तरीके से संविधान तैयार किया गया था. यू कैन यूज इट एज एन एक्टिविटी ऑल्सो. So now you are requested to listen it twice and thrice and an article of faith. There is a very beautiful line. Actually, much before the Constituent Assembly, संविधान सभा बनने से पहले finally came into being the demand for such an assembly. ऐसी संविधान सभा की मांग पहले ऑलरेडी उठ चुकी थी. This was echoed by Dr. Rajinder Prasad in his first address as the chairman of the Constituent Assembly. संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जब उन्होंने भाषण दिया था ऑफ इंडिया ऑन 9 दिसंबर 1946 को तो राजेंद्र प्रसाद कोटेड महात्मा गांधी दैट स्वराज वुड मीन विशेज ऑफ द पीपल एज एक्सप्रेस्ड थ्रू देयर फ्रीली चूजन रिप्रेजेंटेटिव. कि स्वराज का मतलब क्या है, जब लोग अपनी इच्छा से अपने चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं तो वो क्या है, वो स्वराज्य है. सो उनके जो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि फिर क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, दे रूल ओवर द कंट्री और वही देश पे शासन करते हैं. सो दे बिलीव इन डेमोक्रेसी. सो डे स्टूडेंट्स यू विल रीड ऑल दीज थिंग्स वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली. सो टिल देन थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.